उत्तर प्रदेश में भाजपा की अगुवाई वाली योगी सरकार को बने हुए लगभग एक वर्ष पूरे होने को है, पर बावजूद इसके सरकार के खिलाफ बेरोजगारों व प्रदर्शनकारियों का गुस्सा थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। इसी के चलते आज आंगनबाड़ी एकता मंच के बैनर तले सैकड़ों की संख्या में हजरतगंज के गांधी प्रतिमा पर पहुंची महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मानदेय समाप्त कर उन्हें राजकीय कर्मचारियों के बराबर दर्जा व समान वेतन देने की भी बात की है। भगवान का दूसरा रूप कहे जाने वाले डॉक्टरों को अब जल्लाद भी कह सकते हैं, क्योंकि सरकारी अस्पताल के डॉक्टर किसी जल्लाद से कम नहीं है। सुर्खियों में रहने वाले साइबर सिटी का सामान्य अस्पताल अब फिर से एक बार सुर्खियों में है। एमपी की ही रहने वाली एक गर्भवती महिला अपने इलाज के लिए अपने पति के साथ गुरुग्राम के सामान्य अस्पताल पहुंची, लेकिन जल्लाद डॉक्टर आधार कार्ड मांगने लगे। महिला के आधार कार्ड न होने के कारण डॉक्टरों ने महिला को बाहर निकाल दिया। दर्द से तड़पते महिला ने अस्पताल के गेट के सामने ही अपने बच्चे को जन्म दिया। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गरीब, निचले, तलाकशुदा, विधवा और कुंवारी कन्याओं की शादी करने के लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत आज जनपद जालौन में 58 शादियां कराई गई, जिसमें उत्तर प्रदेश शासन ने कारागार मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री जयकुमार जैकी उपस्थित रहे। बता दें कि एक दुल्हन अपने दूल्हे का इंतजार करती रही और दूल्हा समय बीत जाने के बाद भी नहीं आया, लेकिन दुल्हन और उसके घर वाले दूल्हे के आने का इंतजार करते रहे। कहाँ से आए हो? अच्छा, अभी तक दूल्हा नहीं आया है आपका, क्या मामला है? अच्छा, मामला नहीं, बस गाड़ी बिगड़ गई। क्या बहाना बना रहे हैं? कोई नहीं, बस गाड़ी बिगड़ गई। नंबर है? नंबर क्या हो गया? नंबर थे उनका, शादी हो गई तिलक करवा लिया। क्या बताया कारण? क्या बताया? आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं, तो इंतजार कर। साधु भी कराया गया है और कितने हिंदू, कितने मुस्लिम। आज मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में 55 जोड़ों का शादी संपन्न कराई गई है। उनमें सभी जोड़ों को कन्या पुरुष को लड़की को 20,000 रुपये उसके खाते में, 10,000 रुपये का सामान और 5,000 रुपये की इस पूरे से उत्पन्न करना। 55 जोड़े आज शादी के संदर्भ में बहुत बहुत बधाई दे रही है। वेद प्रचार मंडल और आर्य वीर दल रेवाड़ी के तत्वाधान में स्वामी दयानंद सरस्वती की 194वीं जयंती मनाई गई, जिसमें विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा राव तुलाराम पार्क से शुरू होकर सर्कुलर रोड होते हुए शहर से अनाज मंडी पहुंची। शोभा यात्रा में जिले के कई स्कूलों के छात्र छात्राओं के अलावा कन्या गुरुकुल दिधिया, कन्या गुरुकुल जसात, गुरुकुल किशनगढ़, घासोड़ा के छात्रों ने भी हिस्सा लिया। रैली के माध्यम से लोगों को स्वामी दयानंद सरस्वती के विचारों और सिद्धांतों के बारे में अवगत करा, उनकी राह पर चलने का संदेश दिया गया। कार्यक्रम में आज स्वामी दयानंद की 194वीं जयंती के उपलक्ष्य में हम यहाँ सभी एकत्रित हुए हैं। पूरे रेवाड़ी शहर में हमें झांकी निकालेंगे ताकि स्वामी दयानंद ने जो आर्य समाज के लिए कार्य किया है उसके लिए हम आगे बढ़े और उन्हीं विचारों को, उन्हीं सिद्धांतों को अपनाते हुए अपने जीवन को बढ़िया बनाए। कहाँ कहाँ के छात्र इसमें भाग ले रहे हैं? ये यहाँ कन्या गुरुकुल जसात, कन्या गुरुकुल दादिया और किशनगढ़ घासेड़ा, स्वामी रामदेव जी के गुरुकुल से भी यहाँ ब्रह्मचारी आए हुए हैं और लगभग 15-20 स्कूल अपने रेवाड़ी के जो है आर्य समाज से संबंधित है वो सभी इसमें शामिल है। कहाँ से कहाँ तक निकली जाएगी रैली? ये रैली यहाँ से प्रारंभ करके हम बाजार से होते हुए अनाज मंडी पहुंचेंगे। वहाँ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ठाकुर नगर वार्ड संख्या 10 के निवासियों के साथ नगर निगम पर विरोध प्रदर्शन किया और एमएनए से मुलाकात की। आप कार्यकर्ताओं का आरोप है कि वार्ड संख्या 10 के ठाकुर नगर में लोगों की नाली और रास्ते के कारण बड़ी दुर्दशा है, लेकिन निगम प्रशासन को बार बार बताए जाने के बावजूद कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। रेवाड़ी के डबल फाटक पर एक मालगाड़ी की चपेट में आकर अधेड़ की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार गुलाबी बाग के रहने वाले 60 वर्षीय जयराज की करीब 6 बजे डबल फाटक के पास एक मालगाड़ी की चपेट में आकर मौत हो गई। वहीं सूचना के बाद जीआरपी ने शव को कब्जे में ले लिया है और जीआरपी ने मामले की जांच शुरू कर दी है। रेलवे स्टेशन से एक मेमो आया जो डबल फटे के पास रन ओवर हो गया है, उसकी सूचना पर मैं मौके पहुंचा
तो मृतक के परिजन मौके पर थे। मृतक का नाम है जयराज सनोब बालियाराम, जाति चमार, जटिया, आरओ हाउस, आरओ गली नंबर 1, गुलाबी बाग का रहने वाला है और 60 साल का है। काफ़ी बीमार चल रहा था और इसलिए इसने कौन सी गाड़ी से पेट में है? माल गाड़ी बता, अभी उसका नंबर नहीं आया। ये जो सर इसने आत्महत्या दिमागी रोग, ये कैसे? इसके बीमार ज़्यादा था, इसकी वजह से परेशानी की वजह से तो खड़ी हो गई, यही संभव है आत्महत्या का रोग। हाँ जी, ग्वालियर के भीतरवार में हुई हत्या का खुलासा पुलिस ने अब कर दिया है। बताया जा रहा है कि 5 दिन पहले शराब दुकान के मुनीम की हत्या कर दी गई थी। पुलिस के लिए हत्या एक पहेली बनी हुई थी, लेकिन आज पुलिस ने इस हत्या की घटना का खुलासा कर दिया है। दिनांक 4 फरवरी 2018 को करियावटी कस्बे या भीतरवार तहसील में रात के करीब 9:30-10 बजे के बीच इंस्पेक्टर अरविंद रावत की हत्या का खबर आई। फिर पुलिस जब मौके पर पहुंची तो मौके पर उसका साला जो रामवरण है, जो अभी मुख्य आरोपी के रूप में उभर कर आया, उस वक्त वहां मौजूद नहीं था। थोड़ी देर बाद पुलिस के पहुंचने के बाद वो वहां आया और उसने कहानी गढ़ी कि 2 अज्ञात व्यक्तियों ने जो है उसके जीजा अरविंद रावत को गोली मारकर मारा और उसको लूट का जो है उसने मोटिव दिखाया कि लूट के चलते पैसे लूटे उन्होंने और अरविंद रावत को गोली देकर भाग गए। लेकिन पहले ही दिन से जो क्राइम सीन था वो अलग ही कहानी बयान कर रहा, क्योंकि कमरे में हाथापाई के निशान और ठंडे होने के नाते रात में दरवाज़ा जनरली बंद ही हो जाता है, तो जो भी घटना हुई थी वो दरवाजे के अंदर ही हुई, तो इसलिए पूरा शक उसी रामवरण पे ही गया जो फाइनली आज प्रूफ हुई। मैडम, कब से ये रामवरण उसके साथ रह रहा था, क्या कारण रहा? 1.5 महीने के करीब। हत्या का क्या कारण रहा? हत्या का कारण जीजा साले थे, ये आपस में रोटी को बनाने को लेकर के कई बार इसके पहले भी झगड़ा हुआ है। पैसा तो एक हिडन वो रहा, पर मेन ये जो रामवरण है, रामवरण अपने पिता का इकलौता लड़का है पहली शादी से उनकी माँ की, उसके बाद उसकी माँ गुजर गई थी, तो दूसरी शादी से जो इनके 3 बहन 2 भाई शायद थे ये, तो उसमें जो है ये सौतेले थे जीजा इसका, तो कोई बहुत ज़्यादा अफेक्शन भी नहीं था। आपस में रोटी बनाने को लेकर के जो भी झगड़ा होता था, इस बात की जानकारी इसने अपने इमीडिएट बॉस को भी दी थी अरविंद रावत, ठीक 20 दिन पहले ही शायद। फिर इसने कहा नहीं अब सब ठीक है, पर उस दिन शायद यही झगड़ा कुछ ज़्यादा बढ़ गया जिसकी नसीहत इसमें आ गई। शादी का मौसम आते ही नाबालिग चोरों का गिरोह सक्रिय हो जाता है। जबलपुर की एक प्रतिष्ठित परिवार की शादी में ऐसे ही नाबालिग चोर ने अपना जलवा दिखाते हुए 10 लाख रुपए की चोरी को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि होटल आकाश गंगा में सोनी परिवार का शादी समारोह चल रहा था, जहां एक 15 से 16 साल के लड़के ने शादी समारोह में घुसकर महिला के बगल से पलक झपकते ही बैग पार कर दिया। यह पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। महिला ने जैसे ही बैग बगल में रखी कुर्सी पर रखा, तभी एक युवक टहलते हुए वहां पहुंचा और सबके बीच से बैग लेकर तेज कदमों से वहां से निकल गया। कुछ ही देर बाद जब महिला को अपने बैग का ध्यान आया तो उन्होंने कुर्सी की तरफ देखा, लेकिन बैग गायब हो चुका था। जिसके बाद पहले तो आसपास मौजूद लोगों से पूछताछ की गई, लेकिन जब बैग की जानकारी नहीं मिली तो फिर पुलिस को बुलाया गया, जिसने सीसीटीवी कैमरे की जांच की। बहरहाल महिला की शिकायत पर मामला दर्ज कर चोर की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है। ये वो मैंने कहा, यहाँ पर मैं तैयार होने के लिए आ रही थी, सामने से मेरे चाचा ससुर दिखे तो मैं पैर पड़ने के लिए, मेरे जेठ भी बैठे थे यहाँ पर, काफी जन थे, मेरे जेठ के बगल वाली सीट पे मैंने पर्स रखा और उन्होंने देखा भी, उसके ऊपर चाबी, उसके ऊपर चश्मा, तो वो बोले कि तुम्हें चश्मा लगता है, मैंने कहा नहीं इनका है, मुझे रूम में रखना है, और जस्ट 3 लोगों के पैर छुए और मैं ऐसे पलटी हूँ तो वहाँ मेरा पर्स नहीं है, और मैं जोर से बोली मेरा पर्स कहाँ, चेयर ऐसे ऐसे करी उसी में एक जो थैला था वो और चश्मा, 2 चीज़ है। फिर जल्दी से वो भैया सोनू गुप्ता उनको मैंने बताया और जल्दी से बोले हम फुटेज चेक करते हैं, फिर उसमें लग गए वो 10 मिनट वेस्ट हुए उस टाइम, तुरंत अगर कुछ मतलब ऐसा रहता कि कोई भागता वो उसमें थोड़ा वेस्ट हो गया, नहीं तो पर्स में क्या क्या था।